जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़। खैर आपको मैं क्या बताऊं इस लड़की के बारे में, इस लड़की को मैं क्या गाली दूं, कुछ भी मैं क्या बोलूं, आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये वीडियो जैसे अमर सिद्दीकी की एक वीडियो कारण बनी कि टिकटॉक बैन होने का कगार पे आया, टिकटॉक की रेटिंग्स गिरी, इतनी इंसल्ट हुई, इतने लोगों ने छोड़ा, इतने लोगों ने अनइंस्टॉल किया, सब कुछ हुआ, इतना जलील हो रहा है। ये जो वीडियो आपने अभी अभी देखी है, इस वीडियो ने देश का अपमान किया है, इस वीडियो ने नेशनल एंथम का अपमान किया है, इस वीडियो ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। चलो एक पर्सन का किया, सब कुछ झेल सकते हैं हम लोग, उस आदमी को 125 करोड़ लोगों में से ही कुछ लोगों ने ही सही लेकिन चुना है, उस पद पे पहुंचाया है, उस व्यक्ति ने देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। तो क्या हम लोग इतना नहीं कर सकते कि टिकटॉक बैन हो जाए? क्या इतना नहीं कर सकते कि भारत का एक भी बच्चा जिनकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनको लगता है अभी भी टिकटॉक पे रह के वो कुछ कमा सकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के, देश की रिस्पेक्ट को गिरा के, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग कभी नहीं समझेंगे। लेकिन जो समझ गए वो क्या टिकटॉक को गूगल प्ले पर रिपोर्ट नहीं कर सकते, बैन करने की मांग नहीं कर सकते, हर वो स्टेप जो, और दूसरी पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या ये वीडियो या कोई भी वीडियो, आपका कोई भी मैसेज इस दो कौड़ी की लड़की के मुंह पे तमाचा बन के नहीं पड़ सकता है? आप कोशिश तो करिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपने जो वीडियो देखी, अगर आपका खून नहीं खौल रहा है कि इसने हमारे नेशनल एंथम का इस्तेमाल करके हमारे देश को गाली दी, तो पता नहीं आप भारतीय हो या पाकिस्तानी हो या कनेडियन बन चुके हो, क्या बने मुझे नहीं पता, यहाँ पैदा हुए हो तो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, बस इतना कहना। कोई नया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, नहीं कर सकते तो अपनी आवाज़ में जो मैसेज फैला सको फैलाओ, लेकिन कुछ ना कुछ करो। जय हिंद, वंदे मातरम।